Hey guys, my name is Rahul. You're watching the Exploring Wings. So basically एक डिटेल्ड वीडियो है जब हम लोगों ने काजा टू दिल्ली ट्रैवल किया था, तो मैं आपको इस छोटे से पार्ट में सिर्फ एक समरी ब्रीफ कर रहा हूँ कि हम लोगों को किस तरीके के चैलेंजेस मिले, किस तरीके से हम लोगों ने ट्रैवल करा बैक टू दिल्ली, क्यों उस टाइम पे रोड पूरा फ्रोजन हो रखा था। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरा वीडियो जो है ये वाला काजा टू दिल्ली, ये पूरा मेरे मोबाइल से शूट किया गया है। और क्योंकि मेरे कैमरेज के बैटरी टोटली ड्रेन आउट हो चुके थे, पहली चीज़ तो ये। और बीच में कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो रखी थी, तो रास्ते भी ब्लॉकेज मिले। हमें टोटल दिल्ली पहुँचने में 2 दिन लगे। हम लोगों ने स्टे लिया था रामपुर में, अप्रॉक्स एक होटल में हम लोगों ने स्टे लिया था रामपुर। हम लोग कुछ रात को 9:30-10 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो वहाँ स्टे लिया और देन टू फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए थे। और नेक्स्ट डे हम लोग दिल्ली तकरीबन 3 बजे पहुँच गए थे रामपुर से। सुबह 6 बजे चले थे और दोपहर को 3-4 बजे तक हम दिल्ली पहुँच गए थे। तो चलो गाइस, आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप आगे वीडियो इन्जॉय करो। पहले तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, आप वो देखो, बाइक सिखाते हैं आपको। ये देखो कैसे बर्फ़ जमी पड़ी है, बर्फ़। ये देखो मेरी बाइक पे भी बर्फ़ जमी पड़ी है, कैसे निकल रही है देखो। और ये रहा व्यू, हाउ द जोश हाय सर, ठंडा पड़ गया ठंडे, बाकी कुछ जो है नहीं। और एक घंटा हो चुका है बाइक चालू नहीं हो रही है, बहुत ट्राई कर लिया है। अब फाइनली गर्म पानी डाल के कुछ कोशिश करेंगे बाइक चालू करने की, जो कि होने चेंज कर लो, अगर बर्फ जम गया जूते में तो चेंज कर लो। हाँ मैं हाथ धो के आता हूँ, तक बहुत ठंड है। माइनस रात को 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर था और हालत फुल खराब हो गई है। चलो देते हैं अभी अपडेट, देखते हैं बाइक चालू होती है कि नहीं और कितनी देर में होती है। चलो गर्म पानी डालते हैं, बोला इधर इधर डालो इसमें, हाँ डालो। बस बस रुको थोड़ा, चालू करके देखते हैं। ये हो गया, हुआ था, और डालो आराम आराम से डालो भैया, आराम आराम से। और लग गया पानी अभी गर्म कर लेंगे, बहुत गर्म माल है। फाइनली बाइक चालू हो गई है, गर्म पानी डाला तो धुआं देख कैसा निकल रहा है। ये इंजन में से धुआं निकल रहा है, इंजन में से धुआं देख कैसा निकल रहा है। गर्म पानी डाला ना, धुआं देख कैसा निकल रहा है, क्योंकि बर्फ जम गई थी अंदर, तुमको भी तो पानी डालना पड़ेगा गर्मा गर्म। तो दोस्तों मेरी बाइक तो चालू हो गई है, अब देखते हैं, क्योंकि गर्म पानी डाला तो चालू हो गई एक बार में और बहुत धुआं सा निकला। आई डोंट नो किस चीज़ का धुआं निकला, वो गर्म पानी डाला तो शायद उस चीज़ का ही धुआं था। इनफैक्ट चेन में भी बर्फ़ जम गई है। ये देखो चेन वाइट वाइट हो रखी है, ये बर्फ जमी हुई है चेन में, फुल ऑन बर्फ जम गई है। अरे बहन तो हाँ बैठ गए, चलो आराम से निकालना, ठीक है पूरा रोड जमा पड़ा है। राहुल भाई निकाल लो, पत्थर गिर रहे हैं पत्थर। हाँ
घास निकाल लेता हूँ, देख लीजिए। नहीं 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 पत्थर गिर रहे हैं यार, रुक जा। ये देखो इतनी तेज से तो गिर रहे हैं, बंद हो जाएगा तब तक, बंद हो जाएगा। पत्थर गिर रहे हैं भाई पीछे से। और ये ब्लास्टिंग चालू है रास्ता क्लीनिंग के लिए, लैंडस्लाइड हुआ था। लुक एट, देखो ब्लास्टिंग चालू हो रखी है, पूरे रोड पे लैंडस्लाइड हो रखी है और हम लोग इधर खड़े हुए हैं। क्या बोलते हो भाई? बोलो भाई। लगी पड़ी है? नहीं अभी भी मजबूत है। भूख लगी है? भूख तो नहीं लगी। खाने का है कुछ? आगे जाके 100 किलोमीटर बाद कुछ खाते हैं। 100 किलोमीटर बाद तुमको भूख लगा है? इनको भूख लगा है। चलो बस रास्ता क्लीन हो गया है, निकलते हैं। सो अगेन वी आर राइडिंग इन मॉर्निंग टू सेंस नाउ। और व्यू देखो, क्योंकि अभी कुछ दिखेगा नहीं, शायद कुछ दिख जाए। अंधेरा हो चुका है, ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके हैं हमें राइड करते हुए। दिल्ली की तरफ काजा से कॉन्टिन्यूसली, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं और कितने घंटों में पहुंचेंगे।